अब लास्ट में इसको कट कर देंगे और इस तरह से आपको कट करना है। ये देखिए हल्का फुल्का, काफ़ी हेल्दी लेकिन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये ना स्नैक्स बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए प्रोटीन से भरपूर ये स्नैक्स मिनटों में ही बनके तैयार होता है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर ये हेल्दी नाश्ता बता रही हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये काले चने लिए हैं। काले चने को मैंने भिगोने के लिए रख दिया था रात भर और इनको सुबह में बॉईल कर लिया है, जिससे ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से ही आपको इनको सॉफ्ट करना था। मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है इनको, और ये न्यूट्रेला की जो बड़ी रहती है वो भी मैंने भिगोने के लिए रख दी थी, इनको भी ले लिया है। और ये जो सोयाबीन की दाल होती है और मूंग की दाल, इनको 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, और ये भी मैंने बॉईल करके लिया है। आप चाहें तो बिना बॉईल किए हुए ही ले सकते हैं। इन सभी को अच्छे से आपको ग्राइंड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। इसी तरह से ही आपको इनको ग्राइंड करना है, जिससे इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए फिर अब आगे की प्रोसेस पूरी करते हैं। इन सभी को मैंने बाउल में ले लिया है, और अब मैं इसमें बॉईल किए हुए आलू, सबसे पहले 2 मैंने आलूओं को बॉईल किया और पील ऑफ करके इसमें ले लिया है। और इसके बाद ही मैं ये स्लाइस में कट किया हुआ प्याज, तो प्याज आपको स्लाइस में कट किया हुआ ही लेना है। और जितना ज़्यादा प्याज लेंगे आप, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने 3 से 4 प्याज को स्लाइस में कट किया और सभी को ले लिया है। इसके बाद ही मैं ये हरी धनिया और मिर्च का पेस्ट ले रही हूँ। मैंने पेस्ट लिया है, आप चाहे तो कट करके भी ले सकते हैं। वैसे जो पेस्ट लेंगे आप, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। नमक का आपको ध्यान रखना है। मैंने चने में भी नमक ऐड किया था, दाल भी जब बॉईल की थी उसमें भी नमक ऐड किया था, और जो जीरा पाउडर डाल रही हूँ अब मैं, इसमें भी नमक है। तो आप देख लें नमक कम ही ऐड करें, फिर बाद में टेस्ट करके देख लें। 1 चम्मच जीरा का पाउडर डाला, और ये क्रश किया हुआ अदरक, अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया मैंने और उसको ग्रेट कर लिया है। आप क्रश भी कर सकती हैं, ग्रेट भी कर सकती हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें ये देखिए चाट मसाले के पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च जो साबुत रहती है उसको भी कूट कर डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और इसका एक आपको डो बना के तैयार करना है। वैसे तो आज के समय में सभी लोग अच्छा ही टेस्टी खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो हेल्दी हो तो बात ही अलग होती है। तो ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि हेल्दी लें लेकिन टेस्टी भी हो। तो टेस्ट में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होगा। तो ये डो बनके रेडी हो चुका है। अब चलिए अगली बारी आती है, तो मैं इसमें ये पनीर की स्लाइस ऐड कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से आपको स्लाइस कट करना है पनीर की। ये वैसे ऑप्शनल है, मैंने पनीर के भी बना के तैयार किए हैं इस तरह से, और बिना पनीर लगाए भी ट्राई किए हैं। इतनी पतली आपको स्लाइस कट करना है। सबसे पहले मैंने ब्रेड ली, ब्रेड आपको फ्रेश ही लेना है। और इसके बाद ही ये देखिए मैं इसमें जो मीठी चटनी रहती है आम की या आमचूर की या इमली की, जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और सबसे पहले वो अच्छे से लगाएँ, और इसके बाद ही मैंने ये देखिए पनीर की स्लाइस रखी, और जो मैंने डो बना के तैयार किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगाना है, जिससे जो इसका टेस्ट है काफ़ी अच्छा आ सके। तो ये तो आपको भरपूर मात्रा में ही इसको लगा के तैयार करना है। तो ये देखिए इसी तरह से ही आपको लगाना है, चारों तरफ आप अच्छे से कवर कर दें, और ये रेडी हो चुका है। सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें जो व्हाइट वाले तिल रहते हैं ना, वही आपको लगाना है। इससे दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बिल्कुल यूनिक आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको इसका टेस्ट। मैं ये आपको तवे में बनाकर दिखा रही हूँ। नॉर्मली अगर आप नॉन स्टिक पैन पर बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, उसमें भी बना सकते हैं। तवे पर भी आप 1 चम्मच घी लगाएं या बटर लगाएं या तेल लगाएं या कुछ मत लगाएं, ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं। और ये देखिए आपको इनको सैलो फ्राई करते जाना है, और इस तरह से आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना पनीर के भी इनको ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी इसमें जो जितनी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के ये तैयार होगा नाश्ता। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो गैस की फ्लेम है वो आपको स्लो टू मीडियम करते जाना है। ज़्यादातर कोशिश करें स्लो में अगर आप इसको बनाकर तैयार करेंगे तो ये परफेक्टली क्रिस्पी बनेगा। तो क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स तैयार हो चुका है। ये देखिए ये पनीर का भी मैंने जो इसमें स्लाइस लगा के बनाया है, बिना पनीर के स्लाइस लगा कर भी मैंने इसको ट्राई किया है। दोनों में ही ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
ये देखिए इसी तरह से ही आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को बड़ों को खिला सकती हैं। बच्चों के लिए टिफ़िन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, उनको काफ़ी पसंद आएगा। और ये पूरा वो फिनिश करके लाएंगे तो इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर से कहूँगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने इसमें चटनी लगाई है, अगर आपके पास चटनी ना हो तो आप सॉस भी यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें और कमेंट करके ये जो बताएं आपको ये कैसे लगे, बेल आइकन जो दबा दें जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।